और लख साहब की बरसी है और हमें उनकी याद आ रही है और आप बड़े बाप के बेटे हैं और आप खुद भी बड़े आदमी हैं क्योंकि कोई आप पे करप्शन का कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा। तो ये सियासत में ये भी बड़ी बात होती है कि अपने बाप की आपने लाज रखी हुई है, क्योंकि ज़ियाउल्लाह साहब बड़े नेक आदमी परहेजगार आदमी थे और वो उन्होंने जिस तरह मुल्क की खिदमत की, जो रास्ते उन्होंने दिखाए, आज वही रास्तों पे चलना हमें मजबूरन पड़ रहा है। और आप क्या कहेंगे कि ज़िया साहब की याद आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जी शऊर आदमी के जहन में है। गो हम पाकिस्तानी कंजूस हैं, शायद अजहार से हम थोड़ा वो करते हैं, लेकिन जहाँ भी है लोगों में ये जहन में ज़रूर है कि ज़ियाउल्लाह साहब एक ऐसे शख्सियत थी, ऐसी शख्सियत थी जिस जो पाकिस्तान पाकिस्तानियत से लगाओ और किसी चीज़ से बाला तार हो के, अगर भुट्टो ने एटमी तक एटम बम शुरू किया तो उस सारे एटम बम के सिस्टम को मज़ीद उन्होंने तकवीत दी, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता था ना। सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता था ज़ियाउल्लाह साहब उस पर बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यार करते थे, मैं उनको मिलता था और वो बहुत ज़्यादा, जब ट्रस्ट बनाया, वेस्ट मस्जिद बनाई, तशरीफ़ लाए, इनाग्रेशन की, गोल्फ कोर्स में हट, उन्होंने जो आजकल आप हट देखते हैं ये ज़ियाउल्लाह साहब के ही आर्डर पर बना था। तो मैं तो उनको बहुत करीब से जानता था, आप तो खैर बेटे हैं नेचरली आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं भी जानता था कि वो उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होती थी ना, कोई ज़ाती कद शद के लिए उन्होंने चीज़ नहीं रखी होती थी, जो आज का लो ज़ाती तो कद के लिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी दाव पे लगाया जाता है।